रात उहे बनैले रहली बना के हमनी के सब के कद्दू दू रोटी खियाले बाड़ी। अच्छा हां अच्छा चल गेल भाई। अच्छा हमर आही भी हम सुबह हमर समावल बना हमर के मुआ दे। अच्छा बरे उठनी करवा खोजनी त ना मिलत रहल। नमस्कार, मेरा नाम है दिलीप कुशवाहा, आप देख रहे हैं DDC न्यूज। और अभी हम लोग मौजूद हो चुके हैं लोरिया थाना क्षेत्र के नुनिया टोड़ा गांव में, और यही उनका घर है जहां पे आप लोग घटना को सुन रहे हैं कि एक महिला अपने 3 बेटे के साथ आत्महत्या नदी में कूद कर लिए, जो नदी इनके घर के करीब 10 मीटर की दूरी पे है। इनका घर दिखा दीजिए, और यही घर है। अब उनसे जानने की कोशिश करेंगे, 3 बच्चा को लेके एक साथ है, नदी में कूद गई है। 3 रात में क्या कुछ झगड़ा वगैरह भाई का तन करे करल आई। अच्छा तन करे करल आई। अच्छा खाना रात उहे बनैले रहली बना के हमनी के सब के कद्दू दू रोटी खियाले बाड़ी। अच्छा हां अच्छा चल गेल भई जा सुते हमनी के, हे जा सुतल बानी जा। अच्छा उ घर में उ सुतली। हां आई घर में रहुआ लगी। हां अच्छा बुढ़वा बुढ़िया रहनी जाने जा। अच्छा आके हमें को आदमी के मृत्यु हो गइल बा। 4 आदमी। 4 आदमी के। 4 आदमी में एको आदमी नहीं के बचल। ना अच्छा कौन लाश नहीं के मिलल, 3 को मिल गईल बा। अच्छा एगो लाश नहीं के मिलल। ना एगो नहीं के लाश मिलल बा बच्चा के। हां अच्छा चाची ई बताई मरल बड़ी उरा उर पतो है। हमार पतो है। को बरस कौन कर उमर रहे लगभग माने 30 बरस 35 बरस 35 बरस के उनका साथ है जवन बच्चा रल लोग। हाँ। को गो लड़का को गो लड़की। एगो 8 बरस के एगो 5 बरस। अच्छा 8 बरस के 8 बरस के रलन उ बेटा रलन के बेटे। हाँ, बेटा बेटा। अब उनका पर से को बरस आ फिर 4 बरस के 4 बरस के वो बेटर लड़की 2 बरस के फिर एगो लड़का 2 बरस के एगो लड़का। लड़कियां मिलल बिया लड़कियां आ एगो 2 बरस के लवंडा मिलल बा। बाबू बड़का नखन मिलल। बड़का नखन मिलल ना। बड़का नखन मिलल आ नदी है यहां से कितना दूर। अरे ई बगल वाला नहर में बगल नगर में लगा घर के बगल में बा। और औरत अपने 3 पुत्र के लेकर नदी में कूद गई है, ऐसा घटना आप लोग कभी नहीं देखे हैं। एक घर से 4 मृतक का मृत्यु हो गई है, और उनके पिताजी या ससुर है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हमर सुगले आदो जाना हमर मूरत नाम मिले लो सन हमर सुगल के बड़ा जनल रनाई। अच्छा बड़ा कमा के पोसले रनाई सुगल के। आप देख सकते हैं इनके चेहरा पर कितना मासूमी छाई हुई है, कि कैसे रो रहे हैं, लगता है कि पगला गए हैं। और अपने पोता के लिए हमेशा ही चिल्ला रहे हैं। अच्छा अच्छा बड़े उठनी तरह खोजनी तो ना मिलत रहल। ये वही नदी है जिसमें महिला अपने 3 बच्चे को साथ आई और रात को कूद कर जान दे दी। अच्छा से दिखा दीजिए कि इसका पानी का जो बहाव है अभी तो थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जिस वक्त महिला आई थी उस समय ग्रामीणों ने बताया कि बहुत तेज थी। चलिए इसी के साथ आप लोगों को मैंने जो वीडियो पीछे दिखाया है वो महिला वही थी जिसमें आई और इसमें अपने आत्महत्या की है। और यही का ये एक मुख नाली है जिनके घर से लगभग 10 मीटर की ये नदी दूरी पे है। उनके जो लड़का का ससुर जी है, उनके सास जी है, उनके सार का औरत है, मैंने ऐसा ऐसे 5-7-10 आदमी है, उनका सारू भी है। अच्छा ये सब ले गए उनका सामान उचित बा। अब उनका उचित बुझा रहा है तभी ना ले जा रहे हैं। अच्छा उचित नहीं बुझाते तो छोड़ देते, उनका उचित बुझा रहा है तो लेकर जा रहे हैं। मिया लखी मार रहा है भैंस को भाई जी। चौधरी जी, एक घटना राव बेटी कैंक कोई ले पता बा।
हम रहली जे खतम नहीं आने के पता आ ई मतलब भैंस से बोले तनी सब सामान रे बोले नहीं मतलब उचित लागता हुकम लागता केंगे काहे ले तने केंगे उचित लागता ये बेटी मोर गलत का रख छोड़ी अच्छा लोग केकरा के देले बेटी के की अपना दामाद के देले नहीं बेटी के बेटी के देले नहीं अच्छा दहेज में रोग कथि कथि देले नहीं भई और ये और ये लकड़ी पर सामान को पलंग पता की बुली अच्छा अच्छा चाचा और बेटी मर गईले तो सारे सामान हम ले जाता ने और दामाद मर गई रहो तो ना बेटी जिंदा रहते तब का करते पलंग में पोसकिया सारे सामान तो बोले भगवान जानता ना भगवान जानता घटना बताइए बताइए बारे में घटना जवन घटल ठीक बार और बेटी मर गई और नाते मर गई लोग सारे सामान एजन सलाद कर ले जाता ने आ दामाद अगर मर गई रहो बेटी रहो जिंदा रहते या नाते रहूर नातने जिंदा रहते तो एको ना ले जाते तब तो छोड़ देते बेटी मर गई ले तो सब सामान ले जाता ने अब तो रहूर दामादो से रिश्ता खत्म हो गई दामादो ना माने मुनका के अब कैसा रिश्ता कौन रिश्ता।